हेलो, लास्ट लेक्चर से हमें पता चला कि फिजिकली, मेंटली और सोशली सही तरीके से परफॉर्म करने की स्टेट को हेल्दी स्टेट कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज को हेल्थ से रिलेट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हम इंडिविजुअल लेवल पर खुद को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल पर अचीव कर सकें। इसमें हमारा एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो वो अर्थक्वेक आपकी वजह से तो नहीं आया है, परंतु वो आपकी हेल्थ को रिस्क में डाल सकता है। या फिर आपकी जो कम्युनिटी है उसमें जो अथॉरिटी है गार्बेज कलेक्शन के लिए, वो गार्बेज को कलेक्ट करना बंद कर दे या फिर ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करना बंद कर दे, तो धीरे धीरे आपकी लोकैलिटी पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगी और आपकी हेल्थ रिस्क पर होगी। तो इससे हमें समझ आता है कि हमारा फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए कि हम हेल्दी रह सकें। और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्दी रहने के लिए हमें फूड खाना है। खाना हमें तब मिलेगा जब हमारे पास पैसे होंगे। पैसे हमारे पास तब होंगे जब हम काम करने जाएंगे। हम काम तब करने जाएंगे जब हमारे पास जॉब होगी। जॉब तब मिलेगी जब कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होगी। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। हम ट्रूली हेल्दी तब होते हैं जब हम खुश भी होते हैं। हम हैप्पी तब होंगे जब हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी होगी। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली दोस्तों, हमारी इंडिविजुअल हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजीज फ्री और हेल्दी के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो इसीलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PUSTAC ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।